हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और ये आई मेकअप जो मैंने किया है इसकी वीडियो जा चुकी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी बारीकी से बताई है। कट क्रीज बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सब कुछ। इस वाले आइज पे कुछ नया लुक आज ट्राई करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल को सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियो डे बाय डे जाते रह लिया, तो सेकंड चैनल पर भी जरूर जाइए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेकअप लुक है वो उसमें आपको सबसे पहले अपने काजल को अप्लाई कर लेना है। इस वाले मेकअप लुक में काजल थोड़ा सा चौड़ा लगेगा। आईलाइनर लेना है और थोड़ा सा डिफरेंट लुक बनाएंगे। उसके लिए आपको इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके की सेल्फ वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको बना लेना है दोनों साइड से। तो इस तरीके से लाइनर से बना लेंगे एंड वाइट कलर लेके इन तीनों में अच्छे से फिल कर देंगे। आई शेडो पैलेट में से वाइट कलर फिल करेंगे। अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अब जो बीच का कलर है उसको हम लोग किसी डार्क कलर से फिल करेंगे, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क वाइन कलर। और इस तरीके से लगाएंगे। उससे जो आपका लाइनर वाला लुक खराब हुआ हो उसको भी आप ठीक कर लीजिएगा। इस तरीके से ये सब खुद से करना बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। तो गाइज, आप लोग वीडियोस तो देखते हो मेरी बट सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा लुक आने वाला है।
इस तरीके से पूरा डार्क कलर आपको लगाना है नीचे में भी लो वाटर लाइन पे। पूरा फाइनल लुक तक देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा आपको लुक। कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, जैसे कहीं भी लाइनर गिर जाए तो उसको तुरंत तुरंत नहीं हटाना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो हम लोग लेंगे ग्लिटर पैलेट, पतला सा एकदम लाइनर लगाओगे। तो हम लोग यहाँ पे डार्क पिंक कलर ले रहे हैं। इस तरीके से पूरा ग्लिटर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ओके, इसके बाद हम लोग वाइट कलर का ग्लिटर लेंगे। और जो बीच वाला पिंक पिंक बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसकी यहाँ पे
अप्लाई कर दे रहे हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके फेस पे गिरे हैं उनको कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हैवी मेकअप है और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ओबेस की बात है कि गिर जाएगा फेस पे, तो आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और इजीली आपको हल्के हल्के हाथों से निकाल देना है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। और ये जो हमारा लाइनर गिरा था सूख जाने देना है, सूखने के बाद से आपको सिंपली हल्के हाथ से ऐसे करके आप निकाल देंगे जहाँ भी लगा हो, हल्के हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइनर जैसे ही गिरता है वैसे ही हमको साफ करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। तो खुद से थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सिंपल इजी मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियो देखने के लिए पहले की वीडियोज में अपलोड है तो जाके देख लीजिएगा। आपको अगर मेकअप आर्टिस्ट के रूप में जैसे अलग अलग तरीके का मेकअप लुक फेस पे अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं बहुत जल्दी वीडियोज लेकर आ पाऊँगी जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके का लुक बनाना मेकअप में। तो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बहुत जल्दी वीडियोज लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चाहो तो ये वाला साफ भी कर सकते हो जिससे आपका ये वाला लुक जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस पर आईलेसिस लगा लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। ये वाला आई मेकअप लुक थोड़ा डिफरेंट में आज कोशिश की है कुछ बनाने की, तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया हुआ है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हाय फ्रेंड्स, आज मैंने ये वाला आई मेकअप लुक कंप्लीट किया है। इसकी फुल डिटेल वीडियो प्रीत तिवारी चैनल पे अपलोड है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कैसा लग रहा है ये आई मेकअप लुक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लगती हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसको भी बिगिनर्स हैं मेकअप करना नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती हूँ, एक्ने पिंपल्स वाली स्किन पे कैसे मेकअप करते हैं पूरा डिटेल में, कैसे ब्लेंड करोगे, कैसे ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्ट अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, कितना क्वांटिटी की स्किन पे कैसे लेना है पूरा डिटेल में बताती हूँ मैं। तो ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड और वीडियोज आपको मेरे प्रीत तिवारी चैनल पे मिल जाएंगी। और आज का ये जो आई मेकअप लुक है जाके चेकआउट कर लीजिएगा, विदाउट आई लेसेस ऐसे दिख रहे हैं और ये सिंपल आई मेकअप लुक है, आई लेसेस के साथ कुछ इस तरीके का लुक दिखेगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।